2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जी न्यूज पर आज इंडिया का डीएनए 2019 आयोजित किया गया। जम्मू कश्मीर में महबूबा सरकार से समर्थन वापस लेने के मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि कश्मीर पर बीजेपी की नीति कभी नहीं बदलेगी। कश्मीर के लिए भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी जब से कार्यकर्ता नाते मेरा जन्म हुआ तब से जो है वो आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तब तक वो ही। ना हमने कभी इसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया है ना आगे भारतीय जनता पार्टी को कॉम्प्रोमाइज करने की गुंजाइश। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि महागठबंधन का असर यूपी के अलावा और कहीं नहीं होगा। कुछ नहीं होता जी, ये सारे अपने अपने राज्य में हमारे सामने चुनाव लड़े, सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा इकट्ठा होने से फर्क पड़ता है। बाकी सारे अपने अपने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, आज भी लड़ेंगे, तब भी हारे थे, आज भी हारेंगे। बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा कि कश्मीर में आखिरी आतंकी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। हमने जम्मू कश्मीर सरकार को तो छोड़ा है, जम्मू कश्मीर को नहीं छोड़ा है। टू द लास्ट टेररिस्ट न्यूट्रलाइज करेंगे, लास्ट टेररिस्ट, यह हमारा एजेंडा का डायमेंशन नंबर 1 होगा, 4-pronged अप्रोच का। राम माधव ने कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में सरकार का साथ छोड़ा है, लोगों का साथ नहीं छोड़ा है। प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की दावेदारी पर कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। जी न्यूज के कॉन्क्लेव इंडिया का डीएनए 2019 में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी पीएम पद के स्वाभाविक दावेदार हैं। अगला प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा ये बता दिया जाए तो महागठबंधन आज ही टूट जाएगा। मैं अभी बता देता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं। कौन होगा? कांग्रेस सबसे बड़ा राजनीतिक दल है विपक्ष में, स्वाभाविक तौर से कांग्रेस के अध्यक्ष प्राकृतिक तौर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। आखिर में इस देश के लोग निर्णय करेंगे। रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस के परिवार की हैं, उनसे जो भी मतभेद होगा उसे सुलझा लिया जाएगा। सुरजेवाला ने यह भी दावा किया कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी। इंडिया का डीएनए 2019 के मंच पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें लेकर आई तो वो देश का प्रधानमंत्री तय करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी देश और कश्मीर दोनों को संभालने में फेल हुई। कोई ना कोई स्ट्रेटजी है बीजेपी की कि अपना पल्ला छुड़ाएं और चुनाव में जाएं। आपकी खुद की स्ट्रेटजी फेल हो गई, आपकी जो तरीका था देश को संभालने का और कश्मीर को संभालने का उसमें आप फेल हुए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 2019 की लड़ाई देश बचाने के लिए होगी। जो लोग आया है बैठा है उसको एक दिन जाना है, और हम इतना ही कह सकते हैं कि मोदी जी को हराने के लिए एकजुट नहीं हुए हैं बल्कि देश बचाने के लिए एकजुट हुए, संविधान को बचाने के लिए एकजुट हुए। इस कार्यक्रम में कश्मीर के मुद्दे पर तीखी बहस हुई। कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे को कश्मीर की समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के शहीद राइफलमैन औरंगजेब के परिवार से मुलाकात की। पुंछ के सलानी गांव में औरंगजेब की मां से मुलाकात के दौरान रक्षा मंत्री ने औरंगजेब को शेर बताते हुए परिवार को भरोसा दिलाया कि सरकार हमेशा उनके साथ है। And I'm sure to the whole nation, stand out as inspiration for us. Stand out as an inspiration for us, and that's the message I'm carrying from here. रक्षा मंत्री ने औरंगजेब के परिवार को 5 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। दो दिन पहले सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने भी औरंगजेब के परिवार से मुलाकात की थी। 14 जून को आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में अगवा करने के बाद औरंगजेब की हत्या कर दी थी। राष्ट्रीय राइफल्स के जवान औरंगजेब उस वक्त ईद मनाने घर जा रहे थे। शहीद औरंगजेब की टीम ने अप्रैल में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर समीर टाइगर का एनकाउंटर किया था। यूपी में कौन सा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है? आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। किस शहर में नई मेट्रो बन रही है? मोदी जी से पूछिए ना। और आपके पास कोई फॉर्मूला है 2019 अंबेडकर और गांधी का देश देखना चाहते हैं? तो कैनाडा में तो पूरी तैयारी थी, फिर कैसे चुनाव आ गए? 4 साल में मोदी जी ने आपने क्या किया? कश्मीर को संभालने का रमजान में किस लिए? तो विश्वास किया था वो कहीं ना कहीं से लोगों का विश्वास उठता गया। अभी हमारे सरकार बनाने के निर्णय की स्वागत की थी और आज सरकार में से निकलने के निर्णय का भी स्वागत देश भर की जनता ने। टेररिस्ट जो है उनको टू द लास्ट टेररिस्ट न्यूट्रलाइज करेंगे। हमारी कोई चेहरे की लड़ाई नहीं,
हमारी लक्ष्य की। आज मुझे आनंद है जब मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ। नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल भारतीय जनता पार्टी वर्सेस ऑल। इंडिया का डीएनए का सबसे पावरफुल सेशन, सबसे बड़ा सेशन, सबसे हैवीवेट सेशन और जिसको आप कह सकते हैं कि ग्रैंड फिनाले अब शुरू होने जा रहा है, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह। आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम चाहेंगे आप स्वागत करें। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी भैया, खास तौर पर आज जब आपसे बात हो रही है तो पूरा देश, असल में पूरा मीडिया आपको ढूंढ रहा है। पूरे देश के लोग भी आपसे सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि कश्मीर में कल ही आपने अपना गठबंधन तोड़ा है पीडीपी से, और सारा देश ये जानना चाहता है कि क्या आप अब मानते हैं कि कश्मीर में जो प्रयोग था वो असफल रहा? देखिए, जिस प्रकार का जनादेश मिला था उसमें बहुत सीमित ऑप्शन सभी पार्टियों के सामने थे। स्थिति ही ऐसी हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी के अलावे सरकार ही नहीं बन सकती थी, ना पीडीपी के अलावे सरकार बन सकती थी। भारतीय जनता पार्टी के सामने दो विकल्प थे, एक तो लंबा समय राष्ट्रपति शासन चलाकर फिर से चुनाव में जाना, या पीडीपी के साथ गठबंधन करना। क्योंकि कश्मीर का मामला हो, पूरी दुनिया देखती है और हम मानते हैं कि कश्मीर में चुनी हुई सरकार होना देश के लिए अच्छा है, कश्मीर के लिए अच्छा है। तो उस वक्त हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर सरकार बनाने का एक फैसला किया था। मुफ्ती साहब थे उस वक्त और सरकार के मुखिया मुफ्ती साहब बने और हमने एक फैसला लिया था जी। मगर कोई फैसला अंतिम नहीं होता है, चार साल के अंतराल के बाद जब हम रिव्यू करने बैठे तब हमने लगा कि आज यही उचित है कि भारतीय जनता पार्टी समर्थन वापस ले, और जो हमने किया है। और मैं मानता हूं देश की जनता ने भी उस वक्त भी हमारे सरकार बनाने के निर्णय की स्वागत की थी, और आज सरकार में से निकलने के निर्णय का भी स्वागत देश भर की जनता ने किया जी। आपको याद होगा जब सरकार बनी ही थी और मुफ्ती साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो अगले दिन ही कह दिया था कि मैं तो पाकिस्तान के अलगाववादी ताकतों का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कश्मीर में चुनाव होने दिया। और आप जानते थे कि बीजेपी और पीडीपी एकदम विपरीत धुरियां हैं कि कभी साथ नहीं आ सकते। उस वक्त लोगों ने कहा था कि आप आग से खेल रहे हैं, ये कांटों का ताज है। ये सब आप लोगों को साहित्यिक वर्णन करने के लिए ठीक है। बीजेपी और पीडीपी साथ हो या सामने आमने सामने हो, दोनों अपने मुद्दे नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? कश्मीर के लिए भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी जब से कार्यकर्ता नाते मेरा जन्म हुआ तब से जो है वो, आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तब तक वो ही ना। हमने कभी इसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया है ना, आगे भारतीय जनता पार्टी कोई कॉम्प्रोमाइज करने की गुंजाइश है। परंतु मैंने जैसे कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत, एक विकास के एजेंडे के तहत, बाकी सारे मुद्दे साइड पर रखकर एक अलायंस किया गया था जिसका एजेंडा गवर्नेंस का था, जिसका एजेंडा विकास का था, जिसका एजेंडा संतुलित विकास का था। लद्दाख, जम्मू और कश्मीर घाटी, तीनों का संतुलित विकास हो, ये प्रमुख एजेंडा था। और भारत सरकार ने इसके लिए बहुत कुछ किया। 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था जिसमें 61,000 करोड़ रुपए हमने चुकता कर दिए हैं। IIM दिया, IIT दिया, 5 मेडिकल कॉलेज दिए, लगभग 15,000 करोड़ से ज्यादा के रोड दिए जो सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और कश्मीर और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की यातायात के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग वाला रोड आज कश्मीर में बना है, ये नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धि है। और रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के लिए भी हमने बहुत काम किया। कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए हमने पैसा भेज दिया है कश्मीर सरकार के पास। पूर्वी पाकिस्तान से जो लोग आए हैं उनके लिए भी पैसा हमने भेज दिया है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से जो लोग आए हैं उनके लिए भी पैसा भेज दिया है। मगर ये सारी चीजें आगे ही नहीं बढ़ी, कब तक राह देखते हैं? मैं नहीं मानता
कि महबूबा जी की नीयत नहीं होगी या मंशा नहीं होगी, मगर प्रेशर ग्रुप इस प्रकार के खड़े हुए जिसने संतुलित विकास का हमारा स्वप्न को तोड़ा। महबूबा जी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों के बीच में विकास का जो संतुलन होना चाहिए वो नहीं रहा, कहीं ना कहीं ना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक है। तो महबूबा जी के साथ इतने वर्ष गठबंधन करने के बाद लगभग 3 साल आप कैसे आंकते हैं उनको, एक सहयोगी के तौर पर आपका अनुभव कैसा रहा? आपको ऐसा लगा कि ये गलती थी, आपने जरूरत से ज्यादा करके आंक लिया था पीडीपी को? देखिए, गलती तो तब होती है जब हमारे पास दो ऑप्शन हो। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था सुधीर जी, जनादेश ही इस प्रकार का था, खंडित जनादेश था, ऑप्शन क्या था आपके पास? और प्रयोग विफल जाएगा इस भय से प्रयोग न करना, मैं नहीं मानता कि राजनीति में एक प्रोग्रेसिव राजनीति का एक लक्षण होता है। विफल जाएगा तब रिव्यू करेंगे, और किया भी हमने। आपको ऐसा लगा कि ये एक चुनावी फैसला भी है, क्योंकि बीजेपी की छवि लगातार खराब हो रही थी, 2019 में चुनाव है, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो फैसला है ये अगले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है? मैं दूर दूर तक तो उसको चुनावी फैसला नहीं मानता हूं। अक्सर जनता को भूल जाने की आदत है, अगर चुनावी फैसला होता तो 6 महीने बाद भी लिया जा सकता था। आप देखना, आप लोग ही चुनाव में कश्मीर को मुद्दा नहीं बनाओ, पर आप बनाएंगे? हमें बनाने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी ही बनाएगी। हमारे ज्यादातर मुद्दे हम नहीं उठाते हैं। राम मंदिर का मुद्दा, हम राम मंदिर बनाने में विश्वास करते हैं, उसका चुनावी राजनीतिकरण कांग्रेस पार्टी करती है, इससे हमें फायदा होता है हमेशा। पर आपके जो 3 मुद्दे थे उसमें से एक धारा 370 भी थी, आपको इतना अच्छा मौका मिला, बीजेपी पहले तो जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा इतनी हद तक एक्टिव थी नहीं, सीटें भी मिली, सरकार भी बन गई, तो एक बहुत अच्छा विंडो आपको मिला था कि आप बहुत कुछ कर सकते थे। देखिए, धारा 370 को हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से बाहर रखा गया था, जैसे अपसफा उठाने के मुद्दे को भी बाहर रखा गया था, अलगावादियों को सीखे बातचीत को भी बाहर रखा गया था, ये सारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के मुद्दे ही नहीं थे। धारा 370 का मुद्दा पहले भी कभी बीजेपी ने नहीं छोड़ा है, आज भी नहीं छोड़ा है, मगर जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना तब हमने ये मुद्दे को इसमें नहीं रखा था, क्योंकि हमारा गठबंधन जिस पार्टी से होने जा रहा था वो स्वाभाविक रूप से इससे सहमत न होगी। वैसे इनकी भी कुछ चीजें थी, पीडीपी की भी, जिससे हम सहमत न होते, तो जिस पर सहमति नहीं थी वो सारे मुद्दों को साइड पर रखकर जम्मू के विकास के लिए, लद्दाख के विकास के लिए और एक संतुलित विकास के स्वप्न के साथ ये सरकार बनाई गई थी। अमित जी, अब नीचे की तरफ आते हैं और बाकी कश्मीर से और बाकी देश की अगर बात करें तो इस दौरान एक महागठबंधन नाम की चीज पैदा हुई है, कर्नाटक से उसकी शुरुआत हुई और लगातार हर रोज महागठबंधन के नाम पर एक माहौल पैदा हो रहा है, मोदी वर्सेज ऑल। और एक कैलकुलेशन ये भी कहती है कि अगर इन सारी पार्टियों का वोट शेयर मिला लिया जाए तो आपका पिछली बार 31% था 2014 में, इनका 41% है मिलाकर, तो बीजेपी के लिए मुश्किल समय शुरू हो गया है और बीजेपी अब 2014 वाली स्थिति में नहीं रही, ये ऐसा माहौल अभी तैयार होता दिख रहा है। आप इससे चिंतित हैं या आप बिल्कुल निश्चिंत हैं और आप इसको गंभीरता से नहीं लेते? देखिए, मुश्किल दौर आप किस दृष्टि से कह रहे हैं मुझे तो मालूम नहीं। 2014 में हमारे पास 6 सरकारें थी, आज 19 सरकारें हैं। 2014 में हमारे पास 4 मुख्यमंत्री थे, आज 15 मुख्यमंत्री हैं। मैं नहीं मानता ये मुश्किल समय है। 2014 में हमारा देश के 22% भूभाग पर शासन था, आज देश के 70% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरकार के माध्यम से जनता की सेवा कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जब इंदिरा गांधी वर्सेस ऑल हुआ करता था, मैं तो बहुत छोटा बच्चा था, बीजेपी में अभी गया भी नहीं था, संघ का कार्यकर्ता था, संघ का स्वयंसेवक था, मगर मुझे ईर्ष्या आती थी कि क्या स्थिति है कांग्रेस पार्टी की, एक और अकेली कांग्रेस पार्टी और दूसरी ओर सारे इकट्ठा हुए कांग्रेस को हराने के लिए, बड़ी मजबूत स्थिति थी। आज मुझे आनंद है, जब मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं, नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस ऑल, देश की राजनीति के हम ध्रुव बने हैं,
सारे सिद्धांत छोड़कर सब एकत्रित आते हैं। और अब जहां तक चुनावी बात का सवाल है, संभावनाओं का सवाल है, मुझे एक बात बताइए सुधीर जी, ये सारे हमारे खिलाफ जो आपको लामबंद दिखते हैं उसमें से कौन 2014 के चुनाव में हमारे खिलाफ नहीं था? है एक भी दल? शरद पवार खिलाफ थे या नहीं थे? कांग्रेस पार्टी खिलाफ थी या नहीं थी? बहन ममता जी दीदी खिलाफ थी या नहीं थी? देवगौड़ा जी खिलाफ थे या नहीं थे? कौन खिलाफ नहीं था? ये सारे खिलाफ थे, तब भी चुनाव हुआ था, आज भी चुनाव होगा। और जहां तक इकट्ठा होने का सवाल है, मुझे बताइए ममता जी की सभा अगर उत्तराखंड में रख दी जाए तो क्या होगा? या चंद्रा बाबू जी की सभा उत्तर प्रदेश में रख दीजिए, कुमार स्वामी की सभा पंजाब में रख दीजिए, कुछ नहीं होता जी। ये सारे अपने अपने राज्य में हमारे सामने चुनाव लड़े, सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा इकट्ठा होने से फर्क पड़ता है। बाकी सारे अपने अपने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, आज भी लड़ेंगे, तब भी हारे थे, आज भी हारेंगे। पर चलिए, आपने ये तो माना कि उत्तर प्रदेश में फर्क पड़ता है और उत्तर प्रदेश अकेले ही 80 सीट है वहां, तो अगर 80 में से अगर आधी सीट भी आपकी निकल गई, जैसा कि वो अपनी कैलकुलेशन में बताते हैं कि अगर वो मिल गए होते 2014 में तो आपको 20 से 30 सीटें ही मिलती, अगर इस बार अगर ऐसा हो गया तो आपकी करीब 50-60 सीटें तो एक राज्य से ही निकल जाएंगी। देखिए सुधीर जी, पॉलिटिक्स फिजिक्स नहीं होता है, पॉलिटिक्स केमिस्ट्री होती है। 100 ग्राम में 100 ग्राम कर दो तो 200 ग्राम नहीं होता है फिजिक्स की तरह। एसिड के अंदर और कोई पदार्थ मिला दो तो तीसरा ही पदार्थ खड़ा हो जाता है। इसका कैलकुलेशन स्टूडियो में बैठकर नहीं किया जा सकता। और मैं फिर भी फिजिक्स के हिसाब से भी गिनना है तो आपको गिना सकता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में हमें 44% वोट मिला है जी, 44% से 51% का जो छलांग लगाना है वो इतना बड़ा नहीं है जी। जब सबके टिकट कटेंगे, बसपा के टिकट कटेंगे, कहीं सपा को देने के लिए, कहीं सपा को देने के लिए, कांग्रेस को खैर वो दोनों पूछते ही नहीं है, परंतु जो टिकट कटेंगे उससे भी बड़ा अंतर विरोध होता है। और मैं आपको बताता हूं, देश जब निर्णय करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुझे पूरा भरोसा है कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से कच्छ तक समग्र देश का एक विचार होगा कि नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री। और इसका कारण है भैया, राहुल जी क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी हटाओ, हम कहते हैं गरीबी हटाओ। राहुल जी क्या कहते हैं, अरे ममता जी क्या कहती है, नरेंद्र मोदी हटाओ, हम कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ। चंद्रा बाबू क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी हटाओ, हम कहते हैं अव्यवस्था हटाओ। गठबंधन की सरकारों को सबने देखा है, एनडीए का गठबंधन भी देखा है, यूपीए का गठबंधन भी देखा है, जिसमें प्रधानमंत्री को, यूपीए के प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता था गठबंधन मेरी मजबूरी है। आज एनडीए का गठबंधन चल रहा है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। आपके आने से पहले कांग्रेस के नेता यहां मंच पर थे और मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि आपकी तरफ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि राहुल गांधी है, और हम अपने बाकी सब सहयोगियों को भी बताना चाहते हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के हमारी तरफ से दावेदार हैं। तो आपको इससे लाभ होगा या नुकसान होगा भैया? एक तो आप भी इतनी गंभीरता से लेते हैं राहुल गांधी को। मैं देखिए, कर्नाटक में उन्होंने स्वयं कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं। ये पहली बार किसी कांग्रेसी ने एक्नोलेज किया है कि वो बन सकते हैं। कर्नाटक से लेकर आज तक कांग्रेस का एक नेता नहीं बोला कि हाँ राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये पहली बार आपने बुलवा दिया जी, आज बोल के गए, आज बोल के गए, अभी एक भी साथी नहीं बोला है, एक भी साथी नहीं बोला है, कोई नहीं बोलता है। और प्रधानमंत्री तो तब बनना है जब बहुमत आना है। आपको कभी कर्नाटक का मलाल होता है? जैसे कांग्रेस का एक अब नया नैरेटिव है कि एचडी कुमार स्वामी के पास दो विकल्प थे, एक बीजेपी को चुनना और एक कांग्रेस को चुनना, उन्होंने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस को चुना। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि देश की राजनीति बदल रही है, कांग्रेस की छवि बदल रही है। नहीं, तीसरा भी विकल्प था,
जैसे हमने किया था वीपी सिंह के समय में, पूर्ण बहुमत किसी के पास नहीं था, जनादेश का सम्मान करते हुए हमने वीपी सिंह को बाहर से समर्थन किया था, तीसरा भी विकल्प था मगर उन्होंने नहीं चुना। आपको ऐसा लगा कि ये जो महागठबंधन वाली जो पूरी थ्योरी है इसको कर्नाटक से ही बल मिला, और जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था कर्नाटक से बल नहीं मिला भैया, कर्नाटक में तो तीनों अलग अलग लड़े, हारे भी, कर्नाटक की शपथ में एक फोटो से बल मिला। आप मुझे बताइए, शादी की उम्र अगर 21 साल है तो एक एक साल के 21 बच्चे इकट्ठा कर शादी की जा सकती है क्या? पर आप अमित जी इस बात को मानते हैं कि ये जो प्रचार है, ये प्रचार हाल के दिनों में थोड़ा तेज हुआ है और इसके पीछे कई फैक्टर हो सकते हैं, कर्नाटक में आपकी सरकार ना बनना, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाना, उनका थोड़ा सा और ज्यादा अग्रेसिव हो जाना, और महागठबंधन के जो नेता हैं अचानक से ऐसा लगता है कि जैसे चुनाव अगले ही महीने होने जा रहे हैं, इतना ज्यादा उन्होंने एग्रेशन अपना दिखा दिया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा देश में माहौल बदला है और आपको उससे लड़ाई करनी पड़ रही है। हमें मालूम है कि चुनाव में अभी 11 महीने बाकी हैं, तो हल नहीं होने जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से ये पहले ही पीक कर जाएंगे। ना, मैंने ऐसा नहीं कहा। देखिए क्या बात है, एक्चुअल में वो गठबंधन को रणनीति मानते हैं, गठबंधन को स्ट्रेंथ मानते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, 2014 के जनादेश के बाद एक ऐसी सरकार जाने के बाद हम आए थे जिसने 12 लाख करोड़ रुपए के घपले घोटाले किए थे, हर महीने एक स्कैम, हर महीने एक घोटाला बाहर आता था, आपको भी याद होगा, आप भी उसका पर्दाफाश करते थे। हमने 4 साल साहब ऐसी सरकार चलाई है जिस पर हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का आज तक एक भी आरोप भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार के कोई सोच नहीं सकता था कि इस देश के सेना के जवान को कभी वन रैंक वन पेंशन मिल पाएगा। हमने एक ही साल में जवान 40-40 साल से सरकारों के साथ मांग थकते थकते पीढ़ियां बदल गई, मगर वन रैंक वन पेंशन नहीं मिला था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वन रैंक वन पेंशन 1 साल के अंदर देकर उनकी शहीदों की परिवार का और जिन्होंने सेवा करी ऐसे जवानों का सबका सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये जो आप कैलकुलेशन बता रहे हैं इसके हिसाब से आपने 50 से 60 करोड़ लोगों का तो कम से कम जीवन को आपने छुआ है। 2014 में आपको 17 करोड़ वोट मिले थे, इस हिसाब से तो आपको 30 से 40 करोड़ वोट मिलना चाहिए इस बार। देखिए जब हम ये करते हैं तब वोट को गिनती में रखकर नहीं करते सुधीर जी, जब हम ये करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय की नीति है जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक सिद्धांत बनाया था कि विकास का मॉडल क्या होना चाहिए। विकास का मॉडल ऐसा होना चाहिए कि अंतिम पंक्ति में जो खड़ा है वो प्रथम पंक्ति में प्रथम जो खड़ा है इसके बरोबर हो जाए। उस मॉडल के इंप्लीमेंटेशन की एक अच्छी सशक्त शुरुआत करने के लिए हमने किया है, परंतु मैं निश्चित मानता हूं जब ये 22 करोड़ परिवार निर्णय करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा तो उसको जरूर याद आएगा कि 70 साल तक किसी ने मेरे घर में टॉयलेट नहीं भेजा था, घर की महिलाओं को खुले में शौच करने के लिए मजबूर होना पड़ता था, आज हमने उनको टॉयलेट दिया है। इसके घर में किसी ने गैस नहीं भेजा था, बिजली नहीं भेजी थी, बच्चा पढ़ नहीं पाता था। इसके 3 साल तक के बच्चे को किसी ने टीका लगाने के लिए कोई प्रधानमंत्री ने डॉक्टर को इसके घर में नहीं भेजा था, आज ये सारी चीजें हुई है, वो निश्चित याद रखेगा और रखनी भी चाहिए। पहले हमारे प्रधानमंत्री जब दावोस में जाते थे तो एक अच्छी फोटो हो जाए इसकी शुरू से पीआर डिपार्टमेंट पीआईबी व्यवस्था करता था। आज नरेंद्र मोदी गए, दुनिया भर के लोग थे, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष होने के बावजूद उद्घाटन करने का सौभाग्य दावोस परिषद का भारत के प्रधानमंत्री को। पेरिस में जलवायु सम्मेलन होता है, कहीं दूर अंतिम पंक्ति में भारत बैठा करता था, पेरिस जलवायु सम्मेलन का लीडरशिप लेने का सौभाग्य भारत के प्रधानमंत्री को मिला है और ये सम्मान भारत के प्रधानमंत्री का है, भारत का है,
भारत के 125 करोड़ लोगों का है, ये सम्मान नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। जब 104 सैटेलाइट अवकाश के अंदर स्थित कर इसरो रिकॉर्ड बनाता है और अंतरिक्ष की दुनिया में हम प्रथम बनते हैं, तो भारतीय कहीं भी रहता हो, अफ्रीका रहता हो, अमेरिका रहता हो, ईरान रहता हो, इराक रहता हो, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, नेपाल, कहीं पर भी रहता हो, उसका छाती गजगज फूल जाता है कि आज 104 सैटेलाइट एक साथ अंतरिक्ष में छोड़कर भारत ने सबको पीछे छोड़ा है। जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है, पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर अपने जवानों का मौत का बदला लेकर जब हमारे जवान एक भी क्षति के बगैर वापिस आते हैं, तो दुनिया जब भारत की कंपेरिजन अमेरिका और इजराइल के साथ करती है, 125 करोड़ लोगों का माथा गर्व से ऊंचा हो जाता है। और ये सारी चीजों को नजरअंदाज कर 14 लोग लाइन में खड़े रहकर फोटो खींचा लेंगे, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी ऐसे फैसला करेगी क्या? एक बार मैदान में तो उतरिए भैया। और 14 के बाद कितने मौके मिले राहुल जी को बताओ? महाराष्ट्र में मिला, हार गए। हरियाणा में मिला, हार गए। झारखंड में मिला, हार गए। जम्मू कश्मीर में मिला, हार गए। मणिपुर में मिला, हार गए। नागालैंड में मिला, हार गए। मेघालय में मिला, हार गए। आसाम में मिला, हार गए। त्रिपुरा में मिला, हार गए। हिमाचल में मिला, हार गए। गोवा में मिला, हार गए। गुजरात में मिला, हार गए। उत्तराखंड में मिला, हार गए। उत्तर प्रदेश में मिला, हार गए। जीते कहां? पंजाब छोड़कर। और पंजाब में भी कैप्टन साहब जीते हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं जीती है जी। 2014 में जो भारत का डीएनए था, आपको लगता है 2019 में भी वैसा ही रहने वाला है या इस बार कुछ बदल जाएगा? देखिए, इसको भारतीय जनता पार्टी के विजय पराजय से मत जोड़िए। हम ऐसे मूड और ऐसे मिजाज वाले कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व तो ऐसा है, सरकार में रहे न रहे भारत के डीएनए को किसी को चेंज नहीं करने देंगे, और जो हिम्मत करेगा उसको मुंह की खानी पड़ेगी। इस देश का डीएनए कोई नहीं बदल सकता। सबसे बड़ा आरोप आपके ऊपर जो लगाकर जाते हैं वो ये कहते हैं कि जुमलों की सरकार है, सिर्फ जुमले अच्छे बनाते हैं, स्लोगन अच्छे बनाते हैं, नारे अच्छे देते हैं, अच्छे दिन का नारा दे दिया, दूसरे नारे अच्छे दे दिए, तो इस 56 इंच की छाती ये नारा दे दिया, इसको आप कैसे काउंटर करेंगे जब चुनाव प्रचार में आप उतरेंगे? काउंटर करने की जरूरत ही नहीं भैया। मैंने कहा ना, 22 करोड़ परिवार फील करते हैं कि नारे सत्य है और नारों को हकीकत में बदलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और एक प्रामाणिक प्रयास किया है भैया। सारे आर्थिक मोर्चों पर हमने डिसिप्लिन लाई है, 7.7% का विकास दर हम लेकर आए लास्ट क्वार्टर के अंदर। मैंने सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थतंत्र भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। मैंने आपके अंदर दो बदलाव देखे हाल ही में। पहला बदलाव यह देखा कि आप शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मिलकर आए, 1 घंटे आपने बात की। दूसरा बदलाव जो अनलाइक ऑफ अमित शाह है वो ये भी है कि संपर्क अभियान आपने जबरदस्त कई शहरों में आप गए, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि बीजेपी की उपलब्धि क्या है। जो ऑब्जर्वर्स हैं वो ये कहते हैं कि अमित शाह में थोड़ा बदलाव आ रहा है, थोड़ा सॉफ्ट हुए हैं, और वो अब इस बात को समझ रहे हैं कि ये एक साल जो है दोस्ती करने का है, दुश्मनी तो बहुत कर ली लेकिन ये एक वर्ष जो है वो दोस्ती करने का वर्ष है। आप मानते हैं कि आपने भी अपनी थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज की है? जरा भी नहीं, हम हर साल अपना हिसाब देते हैं, न केवल केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकारें भी एक साल पूरा होने के बाद हिसाब देने का कार्यक्रम करती है। आप भी कई बार आए हो, कार्यक्रम के स्वरूप अलग अलग होते हैं, कई बार सभाएं होती है, कई बार गोष्ठियां होती है, कई बार बुद्धिजीवियों से बातचीत होती है। और आपको आश्चर्य होगा, अक्टूबर अंत तक हम 11 करोड़ परिवारों के घर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना हिसाब देने के लिए पहुंचेंगे कि आपने जनादेश दिया था, 4 साल में हमने ये किया। अब इसको अलग दृष्टि से देखें और मुझे थोड़ा सॉफ्ट बना लो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपकी जो छवि है वो 4 साल बड़ी सख्त टफ आपकी इमेज रही, और आपको लोग ऐसे सोचते हैं कि आप बिल्कुल एक मशीन की तरह सोचते हैं, चुनाव जीतने की मशीन एक जैसे सोचती है, वो एक के बाद एक चुनाव आता चला गया। नहीं तो चुनाव हारने की मशीन बनना चाहिए। चुनाव जीतने के लिए होता है। मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं भाई, मेरा दायित्व है, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे दायित्व दिया है,
कि मैं पार्टी का विस्तार करूं, पार्टी को चुनाव में जिताऊं। मैं तो इसमें कोई बुराई नहीं देखता। अब जीत नहीं पाते उनको बुराई दिखती हो तो मैं क्या कर सकता हूं भी? अध्यक्ष होने के नाते आपको ऐसा लगता है कि हर चुनाव से पहले, जितने भी आपने अध्यक्ष बनने के बाद चुनाव लड़े हैं, हर चुनाव से पहले आपको एलिमिनेशन राउंड में रख दिया जाता है कि ये चुनाव अगर आप हारे तो आप गेम से बाहर हो जाएंगे। अब फिर तीन चुनाव आ रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का। फिर यही बात हो रही है कि यही चुनाव जो है ये तय करेंगे कि 2019 में कौन जीतेगा। नहीं, मेरा ये कहना है कि कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, मीडिया के कुछ लोग एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मीडिया की स्वतंत्रता में मानते हैं, सब लोगों को जो कहना वो करें, मगर हम हर चुनाव को गंभीरता से लड़ते हैं। और जब मैं अभी भी कहता हूं, जब फैसला ये आएगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बने, तो मुझे भरोसा है इस देश की जनता नरेंद्र मोदी के अलावे और किसी को वोट नहीं दे सकती। विपक्षी दल वैसे आजकल काफी खुश हैं और उनकी खुशी का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि अमित जी के जो चुनावी कैलकुलेशन है वो दो बार गलत साबित हो गए। पहला कर्नाटक में आपने 130 कहा, 104 आया, ऐसे ही गुजरात में आपने ज्यादा बोला, कम आया। ये दो ऐसे कारण है जो आपने विपक्ष को, देखिए कर्नाटक में मैं अभी भी कहता हूं कि हम 47 से 106 हुए, मैं इसको हार नहीं मानता हूं। अब एक साल अमित जी रोड मैप क्या है, मैं जानता हूं यहां टीवी स्टूडियो में तो कार्यक्रम में आप नहीं बताएंगे, अपना रणनीति तो नहीं बताएंगे, लेकिन मोटा मोटी चार साल बीजेपी ने, मोदी सरकार ने ये कहा हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये सपना, अच्छे दिन आएंगे, आने वाले हैं। अब एक साल ये बताने का है कि हमने ये किया, ये किया और ये किया। आपको लगता है कि सबसे चुनौतीपूर्ण समय है ये एक साल? दूसरा, आप डिफेंडिंग चैंपियन हैं और सामने वाले जो लोग हैं वो चैलेंजर हैं, तो चैलेंजर हमेशा ज्यादा आक्रामक होता है क्योंकि चैलेंजर के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। नहीं भाई, देखिए चैलेंजर आक्रामक होगा या डिफेंडर ऑफेंसिव होगा वो तो रॉ मटेरियल पर निर्भर करता है, आपका नेता कैसा है, आपकी सरकार के काम कैसे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति को लेकर चुनाव लड़ना है तो मैं मानता हूं चुनाव लड़ाने वाले का, मतलब पार्टी का काम बहुत कम रह जाता है। आज एक बार फिर कैलकुलेशन का दिन है, अभी तो एक साल बचा हुआ है, आपका अपना गणित क्या कहता है 2019 में? देखिए, आपने क्या स्थिति आपको लगती आपने है? कहा दो बार गलत पड़ा है, मैं जल्दबाजी करना नहीं चाहता, ये पक्का सच्चा पड़ेगा इसलिए मैं अभी बाद में कहूंगा। लेकिन रणनीति क्या है 300 के ऊपर जाने की, किसी तरीके से बहुमत ले लेने की? निश्चित 200 से 250, निश्चित रूप से आप देश का स्थिति देखिए, स्वाभाविक रूप से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ी है। धारा 370, राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, ये चार तीन तो वादे जो थे लोग आपसे, आपका जो वोट बैंक, चार वादे नहीं थे, नहीं ये तीन जो थे। ओ भैया, ऐसा है, पेट्रोल डीजल के दाम का कोई स्वतंत्र वादा नहीं था, महंगाई हम कम करेंगे, महंगाई कम हुई, ये बात सही है कि अभी पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े बढ़े हैं, अभी कम भी हुए हैं मगर फिर भी बढ़े हुए हैं, इसको मैं एक्नोलेज करता हूं और सरकार इसको गंभीरता से देख भी रही है। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में अगर सुधार नहीं होता, सरकार कोई पॉलिसी लेकर आएगी जब उचित समय होगा, परंतु ऑल ओवर महंगाई हमारे सरकार के एक भी दिन यूपीए सरकार की सबसे कम से ज्यादा नहीं हुई, सबसे ऊपर की जाने दो, सबसे कम जो होती है इससे ज्यादा एक भी दिन नहीं। तो कम से कम कांग्रेस पार्टी को महंगाई का मुद्दा, करप्शन का मुद्दा, देश की सुरक्षा का मुद्दा, ये सारे मुद्दे नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि जनता कंपैरिजन करती है ना, जनता कंपैरिजन करती है। हाल ही में आपने देखा होगा खासतौर पर कर्नाटक के बाद सोनिया जी फिर से एक्टिव हुई है और कर्नाटक में उन्होंने खुद से लोगों को फोन किए, लोगों को एक साथ लेकर आई विपक्षी पार्टियों को। आपको ऐसा लगता है कि अगर सोनिया गांधी वापस थोड़ी सी एक्टिव होती हैं तो कांग्रेस पार्टी में थोड़ी और जान आएगी? मेरे लिए चिंता का विषय नहीं है, राहुल जी के लिए चिंता का विषय है कि उनको एक्टिव रहना पड़ा है, मेरे लिए कहां चिंता का विषय है। 2019 में आपका क्या नैरेटिव होगा, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार अच्छे दिन आपने कहा? नहीं, इस बार देखिए आप थोड़ी सौम्यता से सवाल पूछ रहे हैं,
कि अच्छे दिन आए या नहीं आए, मैं बता देता हूं। हम जिस कल्पना को लेकर सत्ता में आए थे और ऐसे करेंगे, इतना कर पाएंगे जो हमारी कल्पना थी, मुझे लगता है इससे कुछ ज्यादा ही हमने कर पाए, उम्मीद से ज्यादा किया, उम्मीद से ज्यादा कर। ये बात मैं नहीं कहता कि सब समाप्त हो चुका है, क्योंकि बाकी इतना छोड़ा है कि सब 5 साल में समाप्त करना बहुत कठिन होता है। आखिरी सवाल मेरा यह है कि आपकी तो प्रधानमंत्री से चर्चा होती रहती होगी, प्रधानमंत्री अपनी इस परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं? वो मानते हैं कि उनकी इस परफॉर्मेंस के आधार पर ही पार्टी दोबारा चुनाव जीत जाएगी, दोबारा सरकार में वो आ जाएंगे, या और कुछ करने की जरूरत है? जैसे आपको कुछ नए दोस्तों की जरूरत है? ऐसा है, जो दौड़ना शुरू करता है पीछे नहीं देखता कितना दौड़ गए हैं, वो आगे ही देखता है कितना बाकी है, वो हमेशा देश में कितना काम बाकी है वो ही देखते हैं, और मैं मानता हूँ ये सही अप्रोच। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, यहाँ पर आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के चीफ, और अखिलेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति का जो बाजार होता है वो स्टॉक मार्केट की तरह होता है, सेंटीमेंट्स पे चलता है ऊपर नीचे, और आजकल जो सेंटीमेंट्स हैं उसमें आपके जो भाव हैं वो बहुत बढ़े हुए हैं, और उसका हमने जो तस्वीर देखी बेंगलोर में जब कुमार स्वामी जी का शपथ ग्रहण समारोह था, तो आप सारे नेताओं के साथ स्टेज पर थे, लेकिन मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा भाव आप ही को मिल रहा था वहाँ पर, और हर विपक्ष का नेता आपसे हाथ मिलाना चाहता था। तो कोई डील ऑलरेडी हो चुकी है, या उन तस्वीरों को देखकर, वो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही थी? असल में वो विजुअल्स मैंने देखे नहीं हैं, क्योंकि मैं खुद स्टेज पर था उस समय, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि सब नेताओं से मैं मिल तो लूँ, क्योंकि एक साथ सब नेता एक मंच पे कहाँ मिलते हैं? अकेले मिलेंगे तो कोई बात और कहानी बन जाएगी, कम से कम सबसे मिल करके एक संदेश तो गया वहाँ से। ये जो गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर, इस सब की बात होती है, आपने डिकोड कर लिया फॉर्मूला और बीजेपी के ऊपर लगा दिया, हरा भी दिया, लेकिन लोगों का ये कहना है कि 8-10 सीटों पर तो ये फॉर्मूला चल सकता है, लेकिन ये लोकसभा की 550 सीटों पर फॉर्मूला ये नहीं चल सकता। तो आप इससे सहमत हैं कि छोटी अगर पॉकेट है वहाँ तो ठीक है, पूरे देश में ये फॉर्मूला नहीं चलेगा? हम इस बात को दूसरी तरीके से कहते हैं कि जिसको प्रधानमंत्री बनना है आए यूपी, और यूपी ने ही सबसे ज़्यादा सीटें जीती तो बीजेपी की सरकार बन गई। आज अगर उनके एलआई हटा दीजिए और यूपी की सीटें आधी कर दीजिए, क्या वो बहुमत में है? पूर्व में भी यही हुआ है कि जब परिणाम आ गया उसके बाद सबने मिल करके तय कर लिया कि कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इस लिस्ट में आप अपना नाम भी देखते हैं? मैं उस सूची में नहीं हूं, लेकिन उस प्रदेश से हूं जहां से सूची बनेगी। तो जब सूची बन रही होगी तो ये भी तो हो सकता है आप उसमें अपना नाम सबसे ऊपर लिख लें। नहीं, अगर लिखने वालों में मैं हूंगा तो लिख सकता हूं, लिखने वाला कोई और होगा तो मेरा नाम कैसे जोड़ेगा कोई? ये तो राजनीति है, मेरा नाम तो नहीं कोई जोड़ेगा। बट आपके मन में देखिए, आप 38-39 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए थे, ये बहुत जल्दी है, और अब आप 45 के होने वाले हैं, सबसे युवा नेताओं में हैं, और आपकी जो स्वीकार्यता है वो भी बहुत अच्छी है, तो आपके प्रधानमंत्री बनने में क्या समस्या है? मैं इतना बड़ा सपना नहीं देखता कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। हाँ, मैं ये सपना ज़रूर देख सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो एक्सप्रेस वे मैं लखनऊ तक ले गया था, ये बलिया और गाजीपुर तक पहुँचा दूँ, उसका सपना तो देख सकता हूं मैं। योगी जी हमारे बीच में नहीं है अभी, हमने उनको बुलाया था लेकिन उनके पास समय नहीं था, वरना मैं अच्छा रहता अगर आप और योगी जी साथ बैठते, पर आज उन्होंने एक फुल पेज ऐड दिया है, ये इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, आप भी, हाँ ये देखिए, तो इसमें उन्होंने कहा है कि 32,940 करोड़ पेड टू शुगर केन फार्मर्स अगेंस्ट प्रेजेंट पेएबल एंड प्रीवियस ड्यूज, 20 न्यू एग्रीकल्चरल साइंस सेंटर्स टू बी एस्टेब्लिश्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, 10 लाख फार्मर्स ट्रेन्ड विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू बी, और 9,000 और देखिए 9,713 करोड़ का पीएम क्रॉप इंश्योरेंस फॉर 25 लाख हेक्टेयर। तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि गिवन कहाँ है, सब टू बी गिवन। मैं बता दूं आपको, अब आपको मैं बता दूं, दिल्ली के 5 बजट
और उत्तर प्रदेश के दो बजट, इनको पूछिए कि आपने किसान को क्या दिया है। मैंने आपसे पूछा ना कि एक किलो अगर आलू खरीदा गया हो तो बता दीजिए, आप बताइए आपने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा दिया यूपी में, हमें एक प्रोजेक्ट बता दो जो शुरू कर दिया हो आपने। समाजवादी सरकार में 70% जमीन ले ली थी, पूर्वांचल वाले एक्सप्रेसवे को हमने टेंडर कर दिया था, LOI इशू होनी थी, नहीं हो पाई क्योंकि चुनाव आ गया। एक बार टेंडर किया, दो बार टेंडर किया और टेंडर कैंसिल करना पड़ा। तो योगी जी जो मुख्यमंत्री बने, इससे आपको लगता है आपका फायदा ही हुआ है या आपका नुकसान हुआ इससे? मैं आपसे सबके सामने कहना चाहता हूं कि योगी जी का हम लोगों पे आशीर्वाद बना रहे, तभी हम जीतेंगे। आज अगर चुनाव हो जाए तो आप यूपी में कितनी सीटें जीत पाएंगे? अगर आज चुनाव हो जाए हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। पर आप सीटें, आपको क्या लगता और है फिर तो अगर बीजेपी वाला ही फार्मूला हो जाए कि दोनों चुनाव एक साथ हो जाए तो हमसे ज्यादा और खुश कोई नहीं होगा। अच्छा, तो आप चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक साथ हो जाए चुनाव? अगर मतलब आप इसे अगर चाहेंगे, देश में कोई ऐसा फैसला हो रहा है तो हम तो चाहेंगे यूपी में भी हो जाए यही बात, कम से कम यूपी के लोगों को दोबारा वोट डालने का मौका मिल जाए। पर 2019 की कैलकुलेशन तो आपने शुरू कर दी होगी, अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, आपका अपना कैलकुलेशन क्या कहता है, NDA को आप कहां देखते हैं? देखिए, मुझसे ये सवाल पूछे गए थे कि आपने बहुजन समाज पार्टी जिसका शून्य है उसको साथ ले लिया, जो पार्टी RLD है जैन चौधरी इनको साथ ले लिया इनका शून्य है, आपकी निषाद पार्टी शून्य है इसको ले लिया आपने। तो मैंने उनसे कहा कि हम समाजवादी लोग हैं, हम शून्य को लगाना जानते हैं कि हमें शून्य किधर लगाना है। किसी के साथ मिलकर या अकेले लड़ेंगे? कोशिश होगी कि कोई ना कोई साथ हो तो अच्छा होगा, परिणाम भी अच्छे आएंगे। जैसे कांग्रेस की अगर हम बात करें तो अगर कांग्रेस का मेरिट के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको उन्हें 2 सीट देनी चाहिए लोकसभा की, ठीक है हम, लेकिन वो 2 में तैयार होंगे, वो तो शायद 10 में भी तैयार ना हो। ये अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, जब समाजवादी पार्टी 100 विधानसभा दे सकती है तो ये तो लोकसभा का चुनाव आएगा, हम बैठ के बात कर लेंगे। बहुत बड़ी गलती थी, अब गलती हो गई तो हो गई, स्वीकार कर ली गलती, लेकिन ये लोकसभा में क्या होगा मैं नहीं बताऊंगा अभी। पर आप ये बताइए, आपने जब 100 सीटें उनको दी थी तो लोगों ने, आपके पिताजी ने भी आपको कहा था बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं, वो गलती अब आपको उसका एहसास हुआ कि वो गलती थी, 100 सीटें आपने दे दी और वो 100 को उन्होंने 27 बना दिया। देखिए, पीछे मुड़ के हम नहीं देखते, क्योंकि उस समय वही बेहतर था, जो फैसला मैंने उस समय लिया वो शायद उन परिस्थितियों में सबसे अच्छा फैसला वही था। तो आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नहीं? एकदम आपने ठीक पकड़ा मुझे, DNA आप समझ गए आप। ये मन का DNA पकड़ लिया आपने। तो प्रधानमंत्री की आपकी कोई इच्छा नहीं? हमारी कोई इच्छा नहीं है, दिल्ली आने की भी इच्छा नहीं है। तो मायावती जी को बनवा दीजिए। देखिए, ये हम करेंगे, तभी मैंने कहा कि नया प्रधानमंत्री बने, इसी में सब शामिल हैं। जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, देखिए आपने कहा कि उन्होंने बहुत सारी योजनाएं आपकी जो हैं आपने चलाई थी, उद्घाटन करने वो आ गए, पर एक अच्छी बात यह है कि जब योगी जी का शपथ ग्रहण समारोह था तो उन्होंने आपको बुलाया था और बहुत आदर दिया आपको, नेताजी को। और उस समय की मुझे एक तस्वीर याद है जब नेताजी मोदी जी के कान में कुछ कह रहे थे, उसकी बड़ी चर्चा हुई थी कि कुछ कह रहे हैं नेताजी के कान में, और लोगों ने मजाक किया था, शायद कह रहे हैं कि भाई अखिलेश का ध्यान रखना। आपको याद है? क्या नेताजी ने ये नहीं कहा होगा? क्योंकि उस समय हमारा नेताजी का थोड़ा झगड़ा टाइप चल रहा था, बहुत ज्यादा झगड़ा नहीं, तो ये तो नहीं कहा होगा नेताजी ने। नेताजी ने कुछ और कहा होगा। वो जब से मैंने वो तस्वीर देखी तब से मेरे मन में ये सवाल था कि क्या कहा होगा। मैं बार बार वो बात नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ आपको कि नेताजी साथ हैं, मान लीजिए पार्टी ठीक है अभी, और हम मुद्दों पर जनता के बीच में जाना चाहते हैं। एक और युवा इस वक्त हमारे साथ हैं, तेजस्वी यादव आ गए हैं। तेजस्वी जी आइए ना प्लीज। और मैं चाहता हूं कि मतलब यूपी के लड़कों के बाद अब यादव बंधु जो हैं, एक बिहार से और एक उत्तर प्रदेश से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो तेजस्वी जी आप चर्चा सुन रहे थे, ये एक बात याद रखिएगा जी, ये जातिवादी का काम आप कर रहे हो। इसका दोषी मैं नहीं हूँ, याद रखिए, मैं सबके सामने कह रहा हूँ, इसका जातिवादी का फैसला आपने कहा, ये सोशल इंजीनियरिंग है। थैंक यू सो मच। क्या परेशानी देख रहे हैं अभी आप अगले एक साल के लिए? देखिए, अपने लिए तो कुछ नहीं दिख रहा, अपने बीजेपी ने अपने अलायंस पार्टनर जो CBI ED है सब कुछ छोड़ रखा है, फिर भी हमारे शक्ल पे आपने चिंता नहीं देखी होगी, हमेशा हंसते हुए ही देखा होगा, तो हम तो उसको पार्ट मानते हैं।
जिस हिसाब से सीबीआई ईडी बीजेपी के लिए काम कर रही है, हम तो उसका अलायंस पार्टनर मानते हैं। और देखिए, हम लोग नौजवान लोग हैं, हम लोग अखिलेश जी ने काफ़ी बात कही कि जातिवादी सोच के हम लोग नहीं हैं, हम लोग चाहते हैं कि विकास हो। लेकिन जब तक हमारा देश नहीं बचेगा, जब तक हमारे देश में अमन चैन कायम नहीं रहेगा, हिंदू मुसलमान से लड़ता रहेगा, सिख ईसाई से लड़ता रहेगा, तो हम लोग कैसे अपना देश को जो है एक वहाँ अमन चैन देख सकते हैं, या विकसित राज्य देख सकते हैं, या विकसित देश देख सकते हैं? तो जहाँ पीस है वहीं प्रॉस्पेरिटी हो सकती है। तेजस्वी, तो हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे, पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने बहुत अच्छे, नाम तो नहीं बताया आपने, बट आपने बहुत अच्छी बातचीत। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तेजस्वी जी, अगर अब चुनाव होते हैं लोकसभा के, जो आपने महागठबंधन पहले ट्राई किया बिहार में, इस बार भी आपकी पार्टियों से, बाकी अलग अलग पार्टियों से बातचीत हो गई है, चल रही है, कि इस बार भी महागठबंधन होगा बिहार में? देखिए, अभी हमारा कांग्रेस से गठबंधन है, जीतन राम मांझी जी हैं, और हमारे चाचा को छोड़ करके और कोई आना चाहे तो हम लोग उस पर विचार कर सकते हैं, उनका स्वागत भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे चाचा अगर प्रयास करें दोबारा आने का, तो हमें नहीं लगता कि उनको आने देना चाहिए। हालांकि निर्णय पार्टी का है, लेकिन हम इसके विरोध में नहीं हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके चाचा मतलब नीतीश जी वापस आना चाह रहे हैं आपके साथ, लगता है आपको ऐसा? अब उनको एक साल बाद नोटबंदी जो है ख़राब लग रहा है, अब उनको समझ में आ रहा है कि पेट्रोल डीजल का जो हाई प्राइस हो गया, उससे देश का नुकसान हो रहा है। यही हमारे चाचा कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊँगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊँगा। यही हमारे चाचा कहते थे कि संघ मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन अब संघ युक्त बिहार करने चले। तो उनके कथनी और करनी में भारी अंतर है। पर अगर आ भी जाएं जी, अगर हम ले भी लेते हैं उनको अपने गठबंधन में, जो कि वो छोड़ करके गए थे, तो इसकी क्या गारंटी है, या हमको कौन गारंटी देगा कि यहाँ आकर के सीटें जीत करके फिर दोबारा ना पलटी मार जाए, फिर बीजेपी में चले जाएं? आपके बारे में आजकल ये भी सुन रहे हैं कि आपके अपने परिवार में कुछ मतभेद हो गए हैं, अपने भाई से आपके मतभेद हो गए हैं, और मैं पढ़ता रहता हूँ अलग अलग अखबारों में। अब आप हमारे साथ बैठे हैं तो सीधे ही मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि ऐसा होता है जब राजनीतिक परिवार बड़े होते हैं, विस्तार होता है, तो मतभेद भी होते हैं। तो कोई मतभेद है आपका अपने भाई से, कोई नए परिवार से? कोई नई बात ही नहीं है। पहले होता था कि कौन डिप्टी सीएम बनेगा, कौन नहीं बनेगा, पुरानी बातें। और जिन जिन लोगों को जो बात ये करते हैं, जो लिखते हैं, और जिनको मानसिक संतुष्टि मिलती है अगर इस बात से, तो उनको लेने दीजिए, हमें क्या लेना देना है, उनको मानसिक संतुष्टि लेने दीजिए। और जहाँ तक हमारे भाई की बात है, उन्होंने कई बार कहा है कि मेरा अर्जुन है, बात ही खत्म हो गया। कल को कौन लिखे पढ़े इसमें हम क्यों फंसे, हमको अपना काम करना है, हम अपना काम करते रहेंगे। और जहाँ तक परिवार की बात है, परिवार में आज तक कभी भी ऐसी कोई बात नहीं थी, ना है और ना रहेगी। और असल में वो क्या रहा है कि इतना सास बहू सीरियल आने लगा कि न्यूज़ वाले भी वो दिखाने लगे हैं, तो वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल परिवारों में भी इस तरह का न्यूज़ बनता रहे। तो अगर उनका टीआरपी भी इससे बढ़ता है और बिजनेस चलता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, होने दीजिए। आपके पास कोई कैलकुलेशन है लोकसभा चुनाव के लिए जो आज आप आज दे सकें? देखिए, हम बिहार के बारे में बोलेंगे कि डीएनए बदलता रहता है, और अभी जो भाषा हमारे चाचा की, हो सकता है फिर बदल जाए, लेकिन यहाँ तो दरवाज़ा बंद है। देखिए, भारत जो देश है, अलग अलग राज्य, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग पहनावा, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियाँ, फिर भी हम लोग एक हैं, और यही हमारी भारत की खूबसूरती है, पहचान है, और हम चाहते हैं इस पहचान को बरकरार रखा जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं। अगर वो प्रयास कर रहे हैं, तो हर एक हिंदुस्तानी का कर्तव्य होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, कि ऐसे लोगों के खिलाफ वो लड़े, अपने देश के इतिहास को बचाए, अपने संस्कृति को बचाए, अपने पहचान को बचाने के लिए वो आदमी खड़ा रहे। पूरे देश के मन में आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं। कल जो कुछ हुआ जम्मू कश्मीर में, और आपने जो समर्थन वापस लिया महबूबा मुफ्ती की सरकार से, आपने गठबंधन तोड़ा, सब लोग ये जानना चाहते हैं कि इसके पीछे वजह क्या थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको ये फैसला लेना पड़ा? नहीं, कोई भी फैसले का समय को लेकर हमेशा ये प्रश्न उठता है, आज क्यों? ये प्रश्न हम कभी भी करते तो ये उठना ही था। पर पिछले कुछ समय से हमको विशेषकर ये लगने लगा कि
थोड़ा बहुत परिस्थिति में बदल आ रहा है। हमारे साथी और हम, हमारे बीच जो एक समझौता होना चाहिए उसमें कुछ कमजोरी होता आ रहा है, असहजता थी, धीरे धीरे कुछ मुद्दों में ये असहजता बढ़ भी रही थी। पीडीपी या महबूबा जी की दृष्टि में पाकिस्तान से बात करना या सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, जिसको सीज़फ़ायर भी बोलने लगे, वो सीज़फ़ायर नहीं था, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस था, उसको लंबे समय तक लेके जाना और मुद्दों में भी एक सॉफ्ट अप्रोच लेना, यह उनका स्टैंड बनता जा रहा था। तो ये जो पॉलिटिकल पोस्टरिंग बीच में प्रारंभ हुआ उसमें कुछ हद तक हम भी, जैसा सीज़फ़ायर सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस को भारत सरकार ने भी स्वीकार किया, रमजान के महीने में स्वीकार किया, पर एट द एंड ऑफ द डे हमको लगा कि कहीं हमारे बीच का जो गैप है ये बढ़ रहा है, और आज परिस्थिति को ठीक करने की दृष्टि से लार्जर नेशनल इंटरेस्ट, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एंड पीपल। बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो कदम है ये 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए उठाया गया है ताकि आप इस पोस्चरिंग का लाभ लोकसभा चुनाव में ले सकें। हमने इस विषय को पॉलिटिकल धरातल पर या चुनाव के धरातल पर बिल्कुल चर्चा नहीं की थी। इसके दोनों पक्ष होते हैं, हम सरकार में रहते हुए, हम 21 राज्यों में हमारे सरकार है ये कहकर भी बहुत कुछ कर सकते थे हासिल, और केवल राष्ट्रहित और राज्य के जनता और वहाँ शांति उसका हित को ही ध्यान में रखकर ये निर्णय हमने लिया है। अगर पॉलिटिकल डिसीजन ही लेना होता तो 3 साल ये सरकार सर्वे भी नहीं करती। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन था या सो कॉल्ड सीज फायर, ये जब आपने लिया तो ये किसी दबाव में लिया था, ये आपका खुद का आइडिया था या महबूबा मुफ्ती ने आपको कन्विंस कर लिया कि ये कदम आप उठाइए? नहीं, देखिए व्यू तो जरूर महबूबा जी की तरफ से जरूर ये सजेशन आया था, पर इस पर पूरा विचार करके भारत सरकार ने ये निर्णय लिया। आपकी स्थिति तब कैसी होती है जब बुखारी साहब की हत्या होती है और अगले दिन अखबार में छपता है कि ये तो भारतीय एजेंसीज ने ही करवाई है, इस तरह की बात आती है? नहीं, पाकिस्तान का नैरेटिव छपता है और हिंदुस्तान का नहीं छपता है। एक इस प्रकार की एक गुट, इस प्रकार के एक तत्व, एक सेक्शन कश्मीर में मौजूद है, वो तो कश्मीर में नहीं है, वो तो जेएनयू में बैठे हुए हैं, कश्मीर की क्या बात है। पर सुधीर जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं कई वर्षों से जम्मू कश्मीर को आना जाना करता हूँ, कई लोग भी करते होंगे, और 3 साल से मैं जम्मू कश्मीर के दैनंदिन राजनीति में शामिल रहा हूँ। आम जनता, अधिकतर जम्मू कश्मीर की आम जनता, मेजॉरिटी ऑफ देम आर लाइक यू एंड मी, उनको भारत के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, भारत के साथ, भारत सरकार के साथ उनको कोई झगड़ा नहीं है, वो हैप्पीली अपने आप को भारत का हिस्सा मानते हैं क्योंकि उनकी, उनके जीवन का मुख्य मुद्दा रोजी रोटी है। बट कुछ सेक्शन है। हाउ डू यू रेट महबूबा मुफ्ती एंड पीडीपी एज अ पार्टनर, आपका अनुभव कैसा रहा? आज जब आप गठबंधन छोड़ चुके हैं, आपको लगता है पुरानी बात याद आती है कि नहीं जैसा सुना था वैसा ही पाया, या आपको लगा कि नहीं नहीं कुछ चीज़ों में तो अच्छी भी है, खट्टे मीठे अनुभव रहे लेकिन कुल मिला के ठीक रहा? हाउ डू यू रेट? देखिए लेफ्ट तलाक हो चुका है तो जस्ट इफ यू वांट मी टू ओनली टॉक अबाउट द एलायंस, बीजेपी पीडीपी एक एलायंस के रूप में अगर देखना है तो मैं देश के कई हमारे एलायंसेस को देख रहा हूँ जहाँ रोजमर्रा झगड़ा होता है, रोज एक एडिटोरियल हमारे खिलाफ निकलता है, उससे तो अच्छा अलायंस चला, स्मूथ चली, कोई झगड़ा नहीं था पीडीपी बीजेपी में, ये मंत्री वो मंत्री झगड़ा नहीं कर रहे थे, इनके खिलाफ वो, उनके खिलाफ ये नहीं बोल रहे थे, इसलिए सरकार एक कॉमन एजेंडा लेकर अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ चलने की प्रयास जरूर की थी। बट लार्जर नेशनल इंटरेस्ट और लार्जर क्वेश्चंस लाइक हाउ टू हैंडल टेररिज्म, आतंकवाद के साथ कैसे लड़ना और कैसे विभिन्न सेक्शंस को एंगेज करना, इन विषयों पर प्रारंभ में हम दोनों मिलकर काफ़ी प्रयास किए थे। बट कुछ महीनों से हमको लगने लगा कि कहीं हमारे साथी एक पॉलिटिकल पोस्टरिंग पर जा रहे हैं, उनका भी कंपल्शन हो सकता है। हमारे लिए व्यापक राष्ट्रहित महत्व का था तो हमने निर्णय लिया। बट 3 साल का अनुभव आप पूछेंगे, भाई मैं एक ही बात कहता हूँ, नो एलायंस इज ईजी।
अब आपके पास एक वर्ष का समय और बचा है जम्मू कश्मीर के, उसमें अगर हम देखें, क्योंकि अगला चुनाव जब होगा हो सकता है लोकसभा विधानसभा एक ही साथ हो और गवर्नर्स रूल है, इतने समय जो आप नहीं कर पाए, क्या एक साल में अब आप कर पाएंगे? एक तो जम्मू कश्मीर का जो असेंबली है उसके लिए 2.5 साल का कार्यकाल बचा है। आप जानते हैं 6 साल का होता है जम्मू कश्मीर असेंबली, इनका कार्यकाल 2021 मार्च तक है, तो असेंबली समय सस्पेंडेड एनिमेशन में है। आगे क्या होगा इसका अभी कुछ नहीं कह सकते, पर अभी तुरंत प्रायोरिटी जो मैंने 4-pronged अप्रोच की बात की थी, उस 4-pronged अप्रोच पर गवर्नर के शासन में, मैंने इसलिए और एक जगह भी मैंने बोला था, हमने जम्मू कश्मीर सरकार को तो छोड़ा है, जम्मू कश्मीर को नहीं छोड़ा है, हमको जम्मू कश्मीर की स्थिति को ठीक करने के लिए गवर्नर के शासन में हम काम करेंगे। 2014 में अच्छे दिन का सपना दिखाया गया था, जनता 10 साल के शासन से परेशान थी, मोदी जी ने जो कहा चुपचाप जनता ने विश्वास कर लिया और मोदी जी को वोट दे दिया, बीजेपी को वोट दे दिया, वो एक अलग नैरेटिव था। अब 2019 में आपको कुछ नया ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि 2019 से 2024 तक क्या जनता को क्या मिलेगा, वो नया नैरेटिव क्या आपने खोज लिया है? और इसीलिए हमने इसका नाम रखा है कि इंडिया का जो DNA है वो 2019 में वो क्या होगा, कैन यू डीकोड इट फॉर अस? देखिए 2014 में हम जनता के सामने नोवेल्टी थी, नयापन था, मोदी जी पहली बार आ रहे थे, लोगों को लगा लेट्स सी, देखते हैं, अब तो सब पुराना हो गया। नहीं मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, 2014 के चुनाव में हम देश के सामने मोदी जी का व्यक्तित्व, उनके कर्तृत्व की क्षमता को लेकर जनता के सामने गए थे, जो है 2019 में मोदी जी का नेतृत्व, मोदी जी का कर्तृत्व और 5 साल के मोदी जी के सरकार की उपलब्धियों के आधार पर हम जनता के सामने जाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि अच्छे दिन का जो प्रॉमिस हमने जनता को किया था उसमें काफी हद तक हमने हासिल किया है, जनता के, विशेषकर इस देश के गरीब जनता के हित में अनेक महत्वपूर्ण कदम हमारी सरकार उठाई है, इसलिए हमारे सरकार की उपलब्धियां, मोदी जी का व्यक्तित्व, मोदी जी का कर्तृत्व, इसको लेकर हम जनता के सामने जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हमको और एक बार मिलेगा। बाकी रणनीति का जहां तक प्रश्न है, भाई रणनीति टीवी स्टूडियोस में चर्चा नहीं की जाती है, इसका रणनीति है, हमको एक वी हैव ए रोड मैप, बट वो तो खैर हम यहां चर्चा नहीं कर सकते। मैं जो कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन के आधार पर जो सवाल पूछ रहा था वो ये है कि अगर आप 2014 के लोकसभा चुनाव देखें तो बीजेपी को 17 करोड़ वोट मिले थे 31.3% वोट शेयर के साथ, और जो 12 पार्टियां अब गठबंधन बना रही हैं अगर उनको आप जोड़ लें जो कर्नाटक में साथ आई हैं तो मिलकर उनके 2014 में 22.5 करोड़ वोट थे, ये बनता है 41.1%, यानी आपसे 10% ज़्यादा। तो ये जो 10% का गैप इनके पास आ गया, इसको आप कैसे रोकेंगे? ये पहले आप ये समझ रहे हो कि जैसे कि महागठबंधन हो ही गया और उनका सब जगह एक ही कैंडिडेट हो गया और कोई तीसरा पार्टी खड़ी नहीं रहेगी, ऐसा जो समझ रहे हो ये सच नहीं है। अभी ये मुख्यमंत्री बिना परमिशन राज्यपाल के घर में घुस के जो धरना दे रहे थे और जो उनको वापस लेना पड़ा क्योंकि IAS अधिकारियों ने उनके पोल खोल दी, IAS अधिकारियों ने कहा कि हम तो काम पर है ही, हम रोज ऑफिस में जा रहे हैं, हम कहाँ छुट्टी पर है, हम कोई स्ट्राइक पर नहीं है। IAS अधिकारियों ने कहा हमने फाइल भेजी है, फाइल पे इन्होंने ही 25 मई का समय दिया है, तो 25 मई को मीटिंग होगी। सब जब एक्सपोज हो गए तो बाहर निकल गए, उसमें भी सारे पार्टियों ने उनको समर्थन नहीं दिया, ये स्थिति है। दूर दूर के दे रहे लेकिन दिल्ली में जो पार्टियाँ हैं कांग्रेस ने उनको समर्थन नहीं दिया, ये कैसे एक रहेंगे भाई? कोई भी ऐसे लोग इकट्ठा नहीं आते जिनका ना कोई आता है ना पता है ना कोई ये है। आगे देखते जाइए, आपके मीडिया के लिए बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ मिलने वाली है, लेकिन जनता हमारे साथ है क्योंकि हमने काम करके दिखाया। आतंकवादियों के साथ हम काम कर रहे हैं कि आतंकवादियों का खात्मा करेंगे, पर आप जम्मू कश्मीर में नहीं, जम्मू कश्मीर निकलना पड़ा सरकार से, जम्मू कश्मीर से हम बाहर आए इसलिए क्योंकि हमें आतंकवाद का खात्मा करना है। तो 4 साल तो आपने वक्त बिता नहीं, दिया ना ऐसे ही। ऐसा नहीं, वो भी एक प्रयोग था, जनादेश का सम्मान करना भी एक महत्वपूर्ण काम होता है और जो विकास का एजेंडा हमने दिया था उस पर हमने काम किया। जब ये लगा कि भाई अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, खासकर ये रमजान के महीने में जो कुछ हुआ उसके चलते पार्टी ने एक निर्णय लिया जिसका देश ने स्वागत किया।
बट आप मानते हैं कि चार साल में जो आपने सोचा था, जो प्रयोग आपने किया था जम्मू कश्मीर में, वो कामयाब नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा मानूंगा कि तीन साल हमारे यहाँ काम ठीक चला, लेकिन दो महीने में जो एक स्थिति पैदा हुई उससे फिर आगे ये प्रयोग चलाने में मतलब नहीं था। और इसलिए किसी ने हम पर ये नहीं किया है, किसी ने दोष नहीं दिया है, और बाकी पार्टियां भी कुछ नहीं उल्टा बोली है, उनको भी मानना है कि ये उन्होंने कहा भाई ये अननेचुरल अलायंस था, इतना एक टिप्पणी दी। लेकिन फैक्ट रिमेन्स कि ये सभी जगह हम देश हित को सर्वप्रथम, देखो हमारी पार्टी की विशेषता क्या है, बाकी पार्टियों का है कि मैं प्रथम, पार्टी बाद में, देश और बाद में, लेकिन हमारा उल्टा है, देश प्रथम पार्टी बाद में, पार्टी फर्स्ट नो नेशन फर्स्ट पार्टी नेक्स्ट एंड सेल्फ लास्ट। लेकिन 2014 में प्रकाश जी जब आप आए थे तो आपका जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी जो थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। तब कांग्रेस के जो नेता थे वो कहते थे कि हमने काम तो बहुत अच्छा किया लेकिन हम लोगों को बता नहीं पाए। और बीजेपी का जो सोशल मीडिया था, सोशल मीडिया नया नया आया था, आपने बहुत ज़बरदस्त उसका प्रयोग किया और आपका जो नैरेटिव था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और आप ज़्यादा मजबूती से अपनी बात कह पाए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव यहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी के फॉर्मूले को डीकोड कर लिया, अब बीजेपी का ही फॉर्मूला हम उन्हीं के ऊपर लगा के उनको हरा रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो बीजेपी अपने ज़बरदस्त कम्युनिकेशन स्किल के लिए जानी जाती थी, अब वो जो उसके खिलाफ जो प्रचार चल रहा है वो उससे भी ज़बरदस्त उसका प्रचार है? बिल्कुल, और आप उसका शिकार हो रहे हैं क्योंकि लोगों के हृदय में भी हमने स्थान पाया है। मन की बात अब दिल की बात बन गई है और उससे ज़्यादा। आज भी सुबह देखा होगा, आज देश के 10 करोड़ किसानों ने आज प्रधानमंत्री का किसानों से जो संवाद हुआ है वो देखा है। एक आपके बारे में बात ये कही जाती है कि चार साल में जो नैरेटिव बना है वो ये है कि मुसलमान वोटर आपको नहीं चाहता, यानी बीजेपी को नहीं चाहता, और जो दलित हैं वो आपसे दूर हो गए हैं। ये सच नहीं है बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर सच होता तो बहुत ही अलग होता। सच्चाई ये है कि मोदी जी ने सबसे बड़ा काम क्या किया, यह हमें समझने की जरूरत है। मोदी जी ने काम ये किया कि जो पीपल यूज नॉट टू कास्ट देयर वोट बट वोट देयर कास्ट, ऐसा कहते थे, लेकिन यही बदला, न जात पर न पात पर, विकास की बात पर लोग वोट करने लगे। ये मोदी जी ने कमाल करके दिखाया, ये नया पॉलिटिक्स आ गया कि तरक्की के लिए, आकांक्षा के लिए लोग वोट डालने लगे। आजकल हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी हर रोज नए नए ट्वीट्स करते हैं, प्रधानमंत्री पर सीधे हमले बोल रहे हैं, कर्नाटक में बहुत जबरदस्त अग्रेसिवली उन्होंने चुनाव प्रचार किया, ये भी कह दिया वो हार गए 122-78 हो गए, और थोड़ा समय राहुल गांधी और प्रचार करते तो वो 60 के भी नीचे आते, हम सीधे सत्ता में होते। तो राहुल गांधी में आप थोड़ा सुधार देख रहे हैं या आप चाहेंगे कि राहुल गांधी ज़्यादा से ज़्यादा आपके खिलाफ प्रचार करें? नहीं नहीं, वो तो हमें अच्छा है, लोकतंत्र में हर एक को प्रचार की आज़ादी है, वो भी अच्छे रहे और काम करे और प्रचार करे, हमें फ़ायदा है। 2014 में अच्छे दिन का आपने नैरेटिव दिया था, वो आपके काम आ गया, अब वो कंज्यूम हो गया, ख़त्म हो गया। 2019 में आपका क्या नैरेटिव होगा वो देखिए, जरा वेट करिए, अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। कुछ चीज़ें आज बताएंगे, कुछ चीज़ें 3 महीने के बाद बताएंगे, कुछ चीज़ें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान के चुनाव के बाद करेंगे। तीनों राज्य हम जीतेंगे, ये जो तब लोगों का ये पूरा ख़त्म होगा, जो ये उपचुनाव में जो विजय मिला है उसके कारण जो एकदम हवा में बुलबुल रहे हैं उनको समझ में आया था कि इसमें दम नहीं है, धरातल में मोदी जी है, धरातल में बीजेपी है, क्योंकि जनता की चाहत विकास की है, तरक्की की है। अपने बीजेपी को तो 300 के पार पहुंचा दिया, जाहिर है बाकी पार्टियों की टैली नीचे आएगी। तो कांग्रेस पिछली बार 44 थी, आपको लगता है और नीचे आएगी कांग्रेस? अब तो कांग्रेस क्या है, मुझे कहाँ ऐसे देख रहे लोग। इस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ बहुत ही दो वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। हमारे साथ रणदीप सुरजेवाला जी हैं, जिनको आप हर रोज टीवी पर देखते हैं, वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हैं। और हमारे पास श्री राज बब्बर हैं, उनको भी किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश की राजनीति में दो पक्ष हैं इस वक्त, एक है डिफेंडिंग चैंपियन जिसको आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और दूसरे हैं चैलेंजर। लेकिन चैलेंजर बहुत सारे हैं, उनमें से कांग्रेस एक है जो कि नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रही है।
लेकिन कांग्रेस की चुनौती में कितना दम है, यही आज हम इस सेशन में बात करेंगे। तो सुरजेवाला जी, आप ही से शुरू करते हैं, कांग्रेस की चुनौती में कितना दम है? रेटोरिक्स एक अलग बात है और असली जो दमखम है वो अलग बात है। तो आपको जब जज किया जाएगा तो 2014 की परफॉर्मेंस से जज किया जाएगा, या फिर 2014 से अब 18 तक कितने विधानसभा चुनाव हुए उससे जज किया जाएगा, उसके हिसाब से आपको कितना, क्या लगता है कि राजनीतिक मसल पावर कांग्रेस का कितना है? प्रश्न बड़ा सीधा है। राजनीति हम कांग्रेस के मुताबिक, हम सब के मुताबिक एक गंभीर विषय है। ये विषय केवल हार जीत, सरकार बनाने बिगाड़ने, सरकार बदलने या बनाने, प्रधानमंत्री बनने या हटाने का नहीं। सवाल ये है कि इस देश को आगे जाने का रास्ता क्या है, इस देश को क्या मिला, क्या नहीं मिल पाया, कौन वादे पर खरा उतरा, किसने वादा तोड़ दिया और आगे का रास्ता क्या है। हमें ये लगता है कि कांग्रेस की वो दृष्टि जिसके बारे में बार बार भाजपा के लोग कहते हैं, उनके अध्यक्ष भी आएंगे वो भी कहेंगे कि हमने 60 साल तक शासन किया। मैं ये कहना चाहूँगा बीजेपी के दोस्तों से, इस देश के लोगों की बुद्धिमता पर सवाल मत उठाइए। हमने अगर 60 साल शासन किया तो इस देश के लोगों ने हमें चुना, हमें स्वीकारा, हमारी नीतियों को स्वीकारा तो शासन किया, और जिस दिन उन्हें लगा कि हमारी नीतियों में कहीं कमी है हमें नकार दिया, मोदी जी को स्वीकारा उनके वादों पर। 2019 में उन वादों की परख होगी, कांग्रेस एक नया रास्ता और दृष्टि देगी, हम ये बताएंगे कि इस देश में ठीक क्या हो सकता है और भाजपा ने गलत क्या किया है। जो पूरा ये नैरेटिव है, इट्स ऑल अबाउट मोदी, मतलब कांग्रेस पार्टी की जो पूरी कहानी है 2019 के लिए वो सिर्फ मोदी के आसपास घूमती रहती है, और आप मोदी की हार में अपनी जीत देख रहे हैं, बजाय इसके कि आप अपनी जीत देखें और आप ये कहें कि आप मुझे लाइए और मेरा ये विजन है देश के लिए, मैं GST समाप्त कर दूंगा, मैं नोटबंदी देश में दोबारा कभी होने नहीं दूंगा, मैं ये योजनाएं हैं इनको मैं बंद कर दूंगा, GDP इतना पहुंचा दूंगा, ऐसी कोई बात कांग्रेस से सुनने को नहीं मिलती। कांग्रेस सिर्फ ये कहती है कि बस मोदी को हराना है, बस मोदी को हरा दीजिए। तो इज इट द राइट नैरेटिव? सुधीर भाई, पहले तो धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए। मुझे लगता है कि इस सवाल में मूलभूत हमारी असहमति छिपी है, और वो क्या है। जब 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे और मोदी जी आए बात में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की चर्चा करते थे, तो क्या वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव नहीं था? था, पर क्योंकि चेहरा डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और फिर चेहरा राहुल गांधी थे, इसलिए उन दोनों पर वो आक्रमण करते थे। नहीं, मोदी जी ने एक सपना दिखाया, उन्होंने कहा कि उन्होंने, मान लीजिए अच्छे दिन, उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे इसलिए मुझे ले आइए। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका नैरेटिव क्या है, आपको क्यों ले आए? जी, आपने सही फरमाया, यही मैं बता रहा था। ये लड़ाई कोई व्यक्तिगत तौर से विपक्ष की नरेंद्र मोदी जी से नहीं है, ये लड़ाई उन जुमलों और झूठे वायदों और झूठ के खिलाफ है जो इस देश को सब्ज बाग दिखाकर इस देश को भटकाया गया। और ये लड़ाई सैद्धांतिक है। जिस घर के अंदर आग लगी हो, माफ कीजिए, उस घर की आय या आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती। जिस मोहल्ले के अंदर सामाजिक वैमनस्य हो, जिस मोहल्ले में पड़ोसी एक दूसरे से बात ना करते हों या तलवार निकालकर एक दूसरे को काटने पर आतुर हों, मुझे नहीं लगता कि वो मोहल्ला आगे बढ़ सकता है। देश के बारे में भी यही सच्चाई है, जब इस देश के लोग इकट्ठे चल पाएंगे तो ये देश प्रगति करेगा। इसलिए मूलभूत आधार हमारी सोच का सबसे पहले ये है, समरसता, सद्भाव, सदाचार, ये तीन स जो हैं इनके ऊपर ये देश आगे चलेगा। अगर मान लीजिए इस स्टेज पर अगला प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा ये बता दिया जाए तो महागठबंधन आज ही टूट जाएगा। मैं अभी बता देता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं। कौन होगा? कांग्रेस सबसे बड़ा राजनीतिक दल है विपक्ष में, स्वाभाविक तौर से कांग्रेस के अध्यक्ष प्राकृतिक तौर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। आखिर में इस देश के लोग निर्णय करेंगे। आज ये आप ऐलान करके जा रहे हैं तो इसीलिए मैंने कहा अभी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आजकल राहुल जी की जो राजनीति है उसमें लोगों को एक नयापन देखने को मिला, जैसे उनका अग्रेशन पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ गया है, थोड़े ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, उनके भाषणों की जो टोन है वो भी बदल गई है। तो ये जो नया उनका जो रूप है, ये इसके पीछे क्या राज है? बड़ी सीधी बात ये है सुधीर भाई,
इस देश के लोग मूलभूत सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी से और बीजेपी से, क्या किसान को लागत पर 50% मुनाफा मिल गया? अगर राहुल गांधी मंदसौर जाकर, अगर राहुल गांधी जी इस देश के भिन्न भिन्न कोनों के अंदर जाकर किसान की उस समस्या को उजागर करते हैं, तो कई बार उसमें नयापन शायद बाहर से देखने वाले को लगता है। क्या इस देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो गई? अगर वो कर्नाटक में उस प्रोटेस्ट में आगे बढ़कर भाग ले रहे होते हैं जो पब्लिक का प्रोटेस्ट है, 10 लाख करोड़ आपने इकट्ठा कर लिया 4 साल में, आज तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम नहीं हुई, और मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो जेटली साहब फेसबुक पर लिख देते हैं कि कोई कीमतें कम होने वाली भी नहीं। अगर राहुल गांधी इस देश के नौजवान की बेरोजगारी का सवाल उठाते हैं तो कई लोगों को नयापन लगता है, परंतु वो इस देश की उस मूलभूत समस्या को उजागर कर रहे हैं जो आवश्यक है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि कर्नाटक में जब राहुल जी ने चुनाव प्रचार किया और जब उन्होंने चुनाव प्रचार में ये कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार हूँ, उसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ। ये व्यक्तियों का विचार हो सकता है। याद करिए, अमित शाह जी अभी आएंगे, ज़रूर पूछिएगा, उन्होंने दावा किया था पत्रकार वार्ता करके कि उनकी कर्नाटक में 140 सीट आने वाली हैं। उससे पहले उन्होंने गुजरात में दावा किया कि उनकी 160 सीट आने वाली हैं और कहा कि नहीं आई तो आप जो कहेंगे मुझे वो मंजूर है सजा। तो जब उनकी 99 आई तो किसी पत्रकार ने नहीं पूछा कि साहब आपने तो 160 कहा था, अब 99 आई हैं, अब क्या सजा दें आपको। इसी प्रकार से जो अहंकार है उसका ये अंत होता है। राहुल जी ने वो अहंकार से नहीं कहा, किसी व्यक्ति ने पूछा कि क्या आप देश की जिम्मेवारी संभालने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा जरूर, अगर लोग जनमत देंगे कांग्रेस को तो मैं उस जिम्मेवारी को संभालने को तैयार हूं। तो मुझे लगता है इस पर भी गौर करने की आवश्यकता है। जब हम आप हमसे बात करें तो ZTV नंबर 1 चैनल हो गया। देखिए, आपको शुभकामनाएं। हर चैनल को प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ना जरूरी है। लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है, क्योंकि DNA जब सुधीर चौधरी चलाते हैं तो वो अपनी पैनी दृष्टि से चलाते हैं, और वो शायद देश का सबसे वेल वॉच शो है, मुझे ये बताया गया है। चाहे और TRP में कम भी हों, परंतु वो सबसे वेल वॉच्ड है। थैंक यू सो मच। तो इसलिए व्यक्ति के ऊपर भी निर्भर है। आपके कई और एंकर्स हैं, वो बड़ी पैनी दृष्टि से जब शो चलाते हैं, हम सब उनको देखते हैं, हमारी भी आलोचना भी होती है, कई बार भाजपा की आलोचना भी होते हैं कि वो चैनल कोई भी हो। प्रश्न बड़ा सीधा है कि इस देश की मूलभूत समस्याएं वो हम लगातार उठाते रहेंगे, सवाल केवल विपक्ष से ना पूछा जाए। सत्ता पक्ष जवाब दे है जवाब देने का, विपक्ष का काम है सवाल पूछना, विपक्ष का काम है ऑल्टरनेटिव विजन देना, और सरकार का काम है जनता के सवालों का और विपक्ष के सवालों का जवाब देना, विपक्ष को खारिज करना नहीं, जैसा अक्सर मोदी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं। 2019 में इंडिया का DNA क्या होगा? आपने देखा कि कांग्रेस के जो सांसद आए थे, हमने 200 का आंकड़ा पार कर लिया था। मुझे लगता है कि कांग्रेस उस आंकड़े से बढ़ने वाली है। वो आंकड़ा 225 होगा, 250 होगा, 210 होगा, इसका निर्णय लोग करेंगे। ये ठीक है कई साथी भाजपा के कुछ भी कहें, मैं केवल एक ही कहूंगा, आखिर में लोग सबसे बेहतर राजनीतिक दल को चुनेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि जब दिल्ली बंबई मेट्रो सिटीज में एक माहौल एक अलग तरह का बन रहा है, और जब आप मीडिया को कंज्यूम करते हैं तो ऐसा लगता है कि मोदी सरकार मुश्किल में है, लोकप्रियता के मापदंड पर नीचे जा रही है, और महागठबंधन लगातार लोकप्रिय होता जा रहा है, और 2019 में BJP के लिए स्थिति मुश्किल रहेगी, लोग अब इस तरह की बातचीत कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये मीडिया का ही नैरेटिव है या ये वाकई इसमें कुछ सच्चाई है? देखिए, आपके सवाल में 2-3 सवाल छुपे हुए हैं। एक बात है कि क्या मीडिया जो बात करता है अपने माध्यम से, वो बात कितनी साधारण व्यक्ति जो बात करते हैं उससे अलग है या उससे सिमिलर है। दूसरा, आपने महागठबंधन का इसके अंदर एक हल्का सा पेच और जोड़ दिया। तो देखिए, चुनाव का वक्त आता जा रहा है और धीरे धीरे द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल वो उनके लिए बड़ा क्लियर होता जा रहा है। इन 4 या 5 साल में जितनी भी रीजनल पार्टीज होती थी या राष्ट्रीय पार्टीज होती थी, आज बिल्कुल धरातल पर आ गई। साथ साथ उनको यह भी क्लियर हो गया कि जिस गति से ये सरकार काम कर रही है
उससे यह तय है कि अगर ये जो पड़ाव आ रहा है 2019 का, अगर ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार अगर पार कर गई तो बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो नियर एक्सटिंक्शन में चली जाएंगी। मान लीजिए किसी मीडिया हाउस ने आपकी तारीफ कर दी, आपने फिटनेस चैलेंज दिया और आपकी तारीफ कर दी कि राज्यवर्धन राठौर फिटनेस को लेकर अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा कि ये दलाल मीडिया है, ये मीडिया तो बिका हुआ मीडिया है। और किसी ने अगर आपके आपको चैलेंज दे दिया और कहा कि नहीं गलत कर रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा कि ये जो मीडिया है ये फेयर है, ये सेक्युलर मीडिया है। इसी तरीके से राष्ट्रवाद नेशनलिज्म का जो डेफिनेशन है पीछे 4 साल में बिल्कुल बदल गया है। आज पाकिस्तान का समर्थन करना फैशनेबल बन गया है, उसको सेक्युलरिज्म के साथ जोड़ दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए कैसे नैरेटिव हुआ है, और ये 4 साल में हुआ है। तो मैं तो मुझे ये लगा कि जो ध्रुवीकरण है वोट बैंक में तो पहले होता था लेकिन मीडिया में भी हो गया है अभी। देखिए, जो आपने अभी बात करी कि पाकिस्तान का समर्थन करना फैशनेबल हो गया है, ये किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाके जरा फैशन दिखाने की कोई कोशिश करे तो शायद उसको पता चले कि कितना फैशनेबल हो गया है। ये एक बहुत ही लिमिटेड, एक जो अपने आप को एक्स्ट्रा लिबरल जो लोग समझते हैं, जिन्होंने शायद आज तक कोई तकलीफ नहीं सही है, वो ये कह सकते हैं बात की। देखिए, जिसके किसी परिवार में किसी को किसी की देहांत नहीं हुआ, किसी कोई शहीद नहीं हुआ, वो कह सकता है कि हम सबको एक बराबर की नज़र में देखना चाहिए और अपने दुश्मन को भी जब वो दुश्मनी कर रहा हो तो भी उसको गले लगाना चाहिए। ये बहुत ही सीमित लोगों में होता है, लेकिन ज़्यादातर मेरे ख्याल से डेफिनेशन बड़ी क्लियर है और हर व्यक्ति का अपना विचार है। आप तो स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्स में कहा जाता है एक डिफेंडिंग चैंपियन होता है और एक चैलेंजर होता है। अक्सर देखा जाता है कि जो चैलेंजर है वो ज़्यादा अग्रेसिव होता है और डिफेंडिंग चैंपियन के दिमाग में यही चलता रहता है कि मैं कैसे अपने टाइटल को डिफेंड करूं। आपको ऐसा लगता है कि 4 साल के बाद बीजेपी की स्थिति भी वैसी है कि आप डिफेंडिंग चैंपियन हैं और जो चैलेंजर है यानी विपक्ष वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, विपक्ष को लोग ज़्यादा सुन रहे हैं और विपक्ष आपको ज़्यादा बड़ी बड़ी धमकियाँ भी दे रहा है? देखिए, हम तो 2014 से अटैकिंग मोड में हैं और अटैकिंग मोड में ही रहेंगे 2019 तक। बड़े शब्द साफ शब्दों में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऐसे ऐसे निर्णय हम लेंगे और ले रहे हैं जिनका वोट बैंक की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। तो डिफेंडर थोड़ी ना इस तरह की पारी खेलता है, वो जब एक बार बहुमत में आ जाता है तो अपने बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमने ऐसा बिल्कुल नहीं करा। हमने तो आक्रमण करा बिल्कुल सीधे जाकर कि जीएसटी लाना है तो लाके रहेंगे क्योंकि देश हित के अंदर है। आज तक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, हम अपने सिपाहियों को वर्दी के अंदर सरहद पार भेजेंगे ताकि पूरे विश्व को संदेश चले जाए, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, कि भारत के साथ छेड़छाड़ होगी तो हम वापस मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो बिल्कुल इस तरह के हमने काम करे हैं जो वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए नहीं है, लेकिन हाँ, भारत को मजबूत करने के लिए कदम है और उठाए हैं और उठाते रहेंगे। 30 साल के बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला कि आप अपनी सरकार चलाइए और जैसा आप सही समझते हैं वैसा कीजिए, ये इतना बड़ा टूल आपको मिला 5 साल सरकार चलाने के लिए, और कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस दौरान देश में आपको परेशान करने के लिए नहीं आई जहां आपको एक दिन के लिए भी लगे कि मेरी सरकार गिर जाएगी। फिर भी ये 3 वादे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, राम मंदिर और धारा 370 नहीं पूरा हुआ। अब लोग ये कहते हैं कि अगर इस बार नहीं हुआ तो कब होगा, क्योंकि इससे बड़ी मेजोरिटी और बहुमत इस देश में बड़ा मुश्किल है आना। देखिए, कितनी अच्छी बात है, आज सुधीर जी के साथ बैठकर चुनाव से बहुत नज़दीक हम बात कर रहे हैं, और जो सबसे बड़े आक्रमण सुधीर जी ने अभी करे हैं वो ये नहीं करे कि आपके इतने स्कैम हो गए, इतने करोड़ों बदमाशियां हो रही हैं या सरकार इतनी विफल है, वो यही बोल रहे हैं कि आपने बाकी सब तो काम कर दिए, ये 3 काम क्यों रह गए। अच्छी बात है ऐसा सोचना, ये हमारी सरकार की ताकत है। और जैसे मैंने कहा कि संविधान के तहत चलते चलते कई बार कुछ कदम पीछे लेने पड़ते हैं ताकि संविधान को हम ना तोड़ें, उसका उल्लंघन बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हमने जो वादे करे हैं हम उसको करके रहेंगे और आने वाले समय में हमारे को जो जनता है वो पूर्ण विश्वास के साथ वापस लाएगी ताकि सफाई भी हो और देश को मजबूत भी करा जाए। बहुत वर्षों के बाद एक ऐसा मंत्री हमने देखा जो पुशअप कर सकता है, जिसकी कमर जो है 44 इंच की नहीं है, और जो फिटनेस की बात करता है। ये पूरा जो आइडिया था आपका फिटनेस चैलेंज देने का और खुद वीडियो में वो करके दिखाने का, ये आपको कैसे आया और आपको ऐसा लगा कि आपको इतना समर्थन मिलेगा? जो देश के जो जितने बड़े लोग हैं सबने आपके फिटनेस को के चैलेंज को स्वीकार किया।
एक बहुत ही पॉजिटिव एक माहौल बना और बहुत अच्छा लगा। कुछ एक जो वीडियोज़ आते थे, इतने सरल वीडियोज़ होते थे लेकिन मन को छू जाते थे। तो इस तरह का ये अवेयरनेस पूरे भारत में है। और जो युवा पीढ़ी है आजकल, ये युवा पीढ़ी बहुत अपने से आगे देखती है। और ये क्या दिखा, पीछे आपका वीडियो चल रहा है, मेरे को दिख गया वो। सो एक बहुत अच्छा माहौल है पूरे देश में। और यकीनन हम अपने समय से, थोड़ा समय एक शरीर है हमारे पास, जितनी भी, और हर व्यक्ति हर परिवार के अंदर चुनौती होती है, स्ट्रेस होता है, डेडलाइंस होती हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन वो सभी जिम्मेदारियां आप इसी शरीर से तो करेंगे, किसी दूसरे का शरीर तो ले नहीं सकते। तो कम से कम वो शरीर तो आप मजबूत रखिए जिस शरीर से आप पूरे परिवार का पालन पोषण करेंगे। बस यही एक छोटी सी उम्मीद थी और किस तरह से भारत ने उसको समर्थन करा, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। और प्रधानमंत्री जी तो लगातार ये बात करते रहते हैं और उस दिशा में हम चल रहे हैं। और ये सिर्फ इंटरनेशनल योगा डे तक ना सीमित रहे, तो हमेशा चलते रहना चाहिए। एक दूसरे से हम प्रेरणा लें, यही सबसे बड़ी एक पॉजिटिव फीलिंग है।